हाय गाइस, आज हम लोग आ गए हैं न्यू वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे लीफ के बारे में। लीफ इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट और प्लांट पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, बट दिस इज़ फॉर डिटेल ऑफ लीव्स। तो शुरू करते हैं। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा स्टेम, बिकॉज लीफ जो होता है वो स्टेम से ही कनेक्टेड होता है। सो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेम। तो स्टेम के लिए ऐसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज ये आप प्रॉपरली बना पा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम गैप छोड़ रहे हैं वो लीफ के लिए। ओके, अब यहाँ पर होता है इस तरह से एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड को हम स्टाइप्यूल्स कहते हैं और आगे इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। डबलिंग कर देते हैं इसको, ये आगे पतला होते चला जाएगा। ओके, आगे हम इसका बेस बनाते हैं एक साइड से। ठीक है, ये हो गया बेस। बेस भी हम इसको धीरे धीरे आगे की तरफ स्लेंडर करते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब दूसरे साइड से। स्लेंडर करते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली बता देते हैं, ये हमारा स्टेम है, ये एक्सिलरी बर्ड है जहाँ पर हम इसे स्टाइप्यूल्स कह रहे हैं। यहाँ जहाँ से एक्सिलरी बर्ड ग्रो कर रहा है और जहाँ पर ये लीफ यहाँ से कनेक्ट हुआ स्टेम से, इसे हम एक्साइल कहते हैं। ये जो लीफ का जो स्टॉक सा लीफ का जो ये करेक्टर होता है जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, इसे हम यहाँ पर पर्टिकुलरली पेटियोल कहेंगे। ये जो उसका बीच वाला जो पार्ट पोर्शन है ये मोटा सा, इसे हम मिडरिब कहते हैं। और मिडरिब से इधर इस तरह से वेंस टाइप निकलते हैं। ठीक है, ये वेंस हैं, इस तरह से निकलते हैं, इन्हें हम वेंस कहते हैं। मिडरिब के साइड पर ये मोटा होता है और धीरे धीरे ये पतला होता चला जाता है। लीफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्प्लीट प्लांट। सो यहाँ पर जो भी कनेक्शन है ये वेन्स बना रहा है और वेन्स के साथ और भी छोटा छोटा पार्ट होगा जिसे हम वेन्यूल्स कहेंगे। ठीक है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना वेन्स के ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स प्रॉपरली हो नहीं पाएगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नहीं हो पाएगा तो फिर लीफ को प्रॉब्लम होगा खाना बनाने में। ऑफ कोर्स ओके, इस तरह से हो गया हमारा सारा वेन्स। अब हम इसमें वेन्यूल्स बनाते हैं। वेन्यूल्स इज लाइक आपका जो ब्रोंकियोल्स होता है उस तरह से हो गया आपका वेन्यूल्स यहाँ पर। ठीक है, इसका काम बेसिकली कंप्लीट पार्ट ऑफ द लीफ को कनेक्शन देना है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, सो इस तरह से वेन्यूल्स रहता है। इसे आप रूट की तरह भी बना मतलब रूट की तरह ही बनाइए आप इसे, बिल्कुल वैसे जैसे रूट्स का कनेक्शन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ाए, रूट हेयर्स का काम होता है ये, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके वो प्लांट। इसी तरह से ये वेन का ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यूल्स रहते हैं सो दैट ये हर जगह फूड और मटीरियल्स ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स पहुँचा सकें। ये इतने माइन्यूट होते हैं कि आपको जनरली दिखेगा नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक नॉर्मल लीफ में आप देख सकते हो ये सारे पार्ट्स।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हम साइड बना रहे हैं लीफ का, वो एक्चुअली एडैक्सियल साइड है। एडैक्सियल साइड कहने का मतलब एक्चुअली लीफ में दो साइड होता है, एक साइड जो आप देख सकते हो कॉमनली, और एक साइड जो होता है वो अवे फ्रॉम द आपके साइड से होता है, मतलब आप देखने के लिए आपको लीफ को पलटना पड़ेगा। सो ये जो पार्ट है ये नॉर्मली विजिबल साइड है, इसे हम एडैक्सियल साइड कहते हैं, और जो वाला साइड हमें नॉर्मली नहीं दिखता है उसे हम अबैक्सियल साइड कहते हैं। यहाँ सिर्फ बी और डी का अंतर है, बी के लिए आप बैक यूज़ करते हैं इसलिए बी से आप बैक समझिए, तो डी का मतलब हो गया जस्ट उसको अपोजिट यानी कि फ्रंट वाला पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज एडैक्सियल पोर्शन, दूसरा साइड इसका जो होगा वो अबैक्सियल साइड होगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग कभी और बात करेंगे, फिलहाल हम लोग लीफ का बात कर रहे हैं। ये था आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपका हायर क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है, लोअर क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ एज यू कैन सी वेन्स पूरा लीफ को कवर कर चुका है। सो हम कह सकते हैं कि लीफ का ये पूरा ही पार्ट को कनेक्शन मिल रहा है। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस पोर्शन से, इसे हम कहते हैं लीफ टिप। सिंस ये टिप है एकदम ऊपर पोर्शन, सो इसे हम लीफ टिप कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला जो आपका बाउंड्री कह सकते हो आप लीफ का, इसे हम कहते हैं लीफ मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट ये जो आपका छोटा छोटा है ऑफ कोर्स इसे हम कहेंगे वेन्यूल्स, ये वाला जो बड़ा वाला है इसे हम कहेंगे वेन्स, ठीक है, और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं मिडरिब। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पूरा ग्रीन वाला जो पोर्शन होता है जो कि पूरा फ्लैटन रहता है इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड, या फिर कहते हैं लीफ लैमिना। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन होता है जो स्टॉक जिसे हम कह सकते हैं इसे हम कहते हैं पेटियोल। ओके, नेक्स्ट ये जो एक्सिलरी बोर्ड बर्ड वाला पोर्शन हो गया इसे हम कहेंगे स्टाइप्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ये जो बेस हो गया ये वाला पोर्शन इसे हम कहते हैं एक्साइल। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जो पेटियोल के जस्ट परपेंडिकुलर है ये वाला पोर्शन इसे हम कहते हैं लीफ बेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। ओके, नेक्स्ट ये है स्टेम हमारा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीफ। होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।